यूपी रोडवेज को लेकर समय समय पर उंगलियां उठती रही हैं, लेकिन अब कर्मचारियों का सब्र जवाब देने लगा है। यही वजह है कि यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारी और शाखा संयोजक प्रमोद श्रीवास्तव ने ISBT पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक कर्मचारी समस्याओं को लेकर कई दौर की वार्ता के बाद भी उनका निराकरण नहीं कराया गया। इससे अधिकारियों की कर्मचारी विरोधी मानसिकता साफ जाहिर होती है, लेकिन उनकी यूनियन इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। विगत एक वर्ष से सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से महोदय फोन डिपो से वार्ता हो रही थी। इनके द्वारा कम से कम भी तो 7 दौर की वार्ता हमारे संग हुई, और वार्ता होने के बाद ये हर एक बिंदु पे सहमति तो व्यक्त कर देते हैं, लेकिन जब बिंदुओं पे कार्रवाई करने की बात होती है, कार्यवाहन करने की बात होती है, तो ये उसको नहीं करते हैं। इनके अधीनस्थ जो भी उपाधिकारी है वो इनकी बात नहीं मानते हैं, और मजबूरन फिर बार बार संगठन को आंदोलन का नोटिस देना पड़ता है। धरना कब से शुरू किया आपने? धरना का नोटिस हमने इनको आपका लास्ट डेट 30 तारीख दी थी। इनको 16 तारीख को हमने इनको नोटिस दिया था। इन्होंने हमें कोई पत्र नहीं दिया बुलाने के लिए। 20 तारीख को दोपहर में इन्होंने 2:45 बजे करीब हमें पत्र दिया और 4 बजे वार्ता बुला ली। हमने इनसे कहा कि आपने हमें पत्र इतना लेट कर दिया है, तो इनके द्वारा कहा गया कि मैंने तो 20 तारीख 19 को भेज दिया, पता नहीं किसने तुम्हें पत्र लिख दिया है, आप उसके बारे में लिख के दीजिए, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। घर को सजाइए, उपहार भी पाइए कासगंज में दिवाली धमाका। गणेश होम डेकोर लेकर आए हैं आपके लिए दिवाली धमाका। करिए 1000 की खरीदारी और पाइए लकी ड्रॉ में शामिल होने का मौका। हमारा पता है गणेश होम डेकोर, डॉक्टर SC अग्रवाल के पास वाली गली, मिट्टू लाल छोटी सब्जी मंडी, सहावर गेट, कासगंज।